मैं हूं जयलाल साहू, टीजीटी हिंदी केंद्रीय विद्यालय मुर्गाबाड़ी। केंद्रीय विद्यालय मुर्गाबाड़ी में आप सभी का सत सत स्वागत अभिनंदन है। हम अपने केंद्रीय विद्यालय का यूट्यूब चैनल जारी किए हैं, जिसमें हमारे विद्यालय स्तर पर होने वाले सभी कार्यक्रमों को उसके माध्यम से आप तक प्रेषित करने जा रहे हैं। तो सभी दर्शक मित्रों से आग्रह है कि हमारा यूट्यूब देखना ना भूले। देखने के बाद उसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। आज हमारे विद्यालय में होने वाले कार्यक्रम के बारे में आपको बताना चाहती हूँ। हमारे विद्यालय में आज एक लघु नाटक प्रस्तुत किया गया है। इस नाटक में हम अपने विद्यालय के छात्र छात्राओं को एक पार्क में ले जा रहे हैं, जहाँ हम गांधी जी के बंदरों के साथ रूबरू कराएंगे। तो लीजिए पेश है नाटक। सुना तुम लोगों ने? हाँ, मैंने सुना भी और देखा भी। बच्चे हमारा ही गीत गाए। अरे भाई, तुम लोग आपस में क्या बातें कर रहे हो? हम इसे कैसे समझाएं? इन्होंने तो अपने कान ही बंद कर रखे। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम अपने आंख मुंह और कान खोल सके? हाँ हाँ, क्यों नहीं। आखिर हमें भी तो पता चले कि दुनिया में क्या चल रहा है। वाह, इतना सुंदर दृश्य है। ये पेड़ पौधे और पक्षी देखकर तो मेरा मन प्रफुल्लित हो गया। तुम दोनों भी अपना मुंह और कान खोल लो। वाह, इतना सुंदर दृश्य है। ये चीजों का देखना मुझे तो बहुत आनंद लग रहा है। पर भाइयों, तुम लोगों ने तो अपना नियम ही भंग कर दिया। इस तरह दूसरे बंदर और हमें क्या फर्क रह जाएगा? हमारी तो यहाँ कोई कार्रवाई नहीं है, इसीलिए तो हमें इस पार्क के अंदर कोने में बैठा दिया है। क्या कहें, क्या रिवाज है? अगर साल में एक बार बारिश ना हो तो हमें नहाने धोने का काम कौन करेगा? अरे, लगता है कोई आ रहा है। चलो हम अपने स्थान ग्रहण कर लेते हैं। पड़िरम पम पम, पड़िरम पम पम, पड़िरम पम 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 पम, पड़िरम पम पम, पड़िरम पम पम, पड़िरम पम 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 पम, पड़िरम पम पम, पड़िरम पम पम, पड़िरम पम 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 पम, पड़िरम पम पम, पड़िरम पम पम, पड़िरम पम 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 पम। आओ बच्चों, कितना सुंदर पार्क है ना। मैं सोचती हूँ कि मिसेस शेट्टी बच्चों के पास स्टैचू के बारे में बता दिया जाए। हाँ हाँ, क्यों नहीं।
बच्चों, ये बापू यानी महात्मा गांधी है जो हमारे राष्ट्रपिता है, और इनके तीन मतलब जो कान मुंह आँख बंद के बैठे हैं, वो इसलिए ताकि ये बुरा ना सुने, बुरा ना बोले और बुरा ना देखे। इनको तो मौका मिले से लेक्चर जाने लगते, जहाँ देखो लेक्चर जाने लगते। बच्चों, इस साल पूरे भारतवर्ष में महात्मा गांधी की 150वीं जयंती मनाई जा रही है, जिससे इसका महत्व तो और भी बढ़ जाता है। हमें इनका अनुसरण करना चाहिए। Yes, ma'am. बच्चों, आपके मन में जो गेम आए आप वो खेलो, पर हाँ, शोर शराबा मत करना और पेड़ पौधों को भी नुकसान मत पहुँचाना। इन्हीं पे हमारी जीवन बीतती है। Okay, ma'am. बहुत अच्छा रहा। आपके बोलो, आपके शिक्षा की तो कोई जवाब ही नहीं है। थैंक यू, लेकिन आप लोग उस वक्त हंस क्यों रही थी? बस ऐसे ही। मैं बाबा पाया हुआ हूँ। शान शान, क्या बोलना चाहती हूँ, अच्छे से बोलो। मैम, ये बच्चा पढ़ना चाहता है। लोग अपने साथ किसको लेकर आए हो? मैम, ये हमारा दोस्त है, ये बहुत करीब है, ये हमारे साथ पढ़ना चाहता है। ठीक है, पर तुम्हें पता है स्कूल की फीस जमा करने के लिए कितने पैसे चाहिए? और इसका फीस कौन भरेगा? हम सब भरेंगे मैम। ये बहुत अच्छी बात है कि तुम अपने असहाय मित्र की मदद करना चाहते हो। बापू जी भी हमें यही सीख देते हैं कि हमें असहाय लोगों की मदद करना चाहिए। बहुत अच्छा बच्चे। ये थी हमारी नाटक जो गांधी जी के 150वीं वर्षगांठ पर प्रस्तुत किया गया। प्रस्तुत किए गए नाटक पर हमारे विद्यालय के छात्र छात्राओं और गांधी जी के तीन बंदर, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो, बुरा मत देखो, गांधी जी की ये तीन प्रतिमा हमारे जीवन में हमें सत्य रास्ते चलने को मार्गदर्शन करती है। तो आइए गांधी जी के बताए हुए रास्ते पर चलें और हम अपना जीवन उद्धार करें। जय हिंद, जय भारत, महात्मा गांधी की जय।